और तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये सुरंग बेहद महत्वपूर्ण भी है। ऐसे में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में जन आंदोलन चलाने की शुरुआत की गई थी। उसी के तहत हाउसिंग बोर्ड की ओर से 1,00,000 मास्क वितरण करने का लक्ष्य लिया गया। उसी के तहत शनिवार को मंत्री शांति धारीवाल के आवास से मास्क वाहन को हरी झंडी दिखाई गई। मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि प्रदेश में 1 करोड़ मास्क बांटने का लक्ष्य रखा गया। सरकार के लक्ष्य में साथ देने के लिए हाउसिंग बोर्ड भी आगे आया। हाउसिंग बोर्ड की ओर से 1,00,000 मास्क गरीब और मजदूर वर्ग को बांटे जाएंगे। आपको जानकारी दें कि बोर्ड के आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र और मजदूर वर्ग अभी भी कोरोना को लेकर जागरूक नहीं है। ऐसे में हाउसिंग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और मजदूर वर्ग के लोगों को फ्री मास्क वितरित करते हुए जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया अभी बोर्ड की ओर से 1,00,000 मास्क वितरित किए जा रहे हैं। अगर आगे भी जरूरत पड़ी तो बोर्ड द्वारा और मास्क वितरित किए जाएंगे।